हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बोट नेक पे एक खूबसूरत डिजाइन तैयार करके दिखाऊंगी, काटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा दिखाऊंगी। तो फिर चले देखते हैं किस तरह से काट करना है और सिलाई करना है। तो फ्रेंड, उसके पहले आपसे मेरी और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो घंटी है उस पर क्लिक करना ना भूलें मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर चले देखते हैं किस तरह से काट करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने ये कैनवास लिया, इसको टू फोल्ड किया, यहाँ से जॉइंट साइड है और यहाँ से ओपन साइड है। तो पहले हमें नेक के लिए ये कैनवास काट कर लेना है। तो नेक का चौड़ाई लेना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना आपको चाहिए। मैं यहाँ पे देखिए 5 इंच रखूँगी। और नेक का डिप्थ लेना है, ये मैं 3.5 इंच रखूँगी, क्योंकि बोट नेक है, बोट नेक पर ज़्यादा लेने से बाद में फिटिंग अच्छा नहीं होता है। अब इसमें शेप देना है, ज़्यादा गहराई से नहीं देना है क्योंकि ये बोट नहीं है। अभी देखिए यहाँ से कितना देना है, मैं लगभग 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखूँगी यहाँ से। अब इसको काट कर लेना है। ये काट हो गया। अभी देखिए डिजाइन के लिए हमें यहाँ से लेना है। तो ये अब अपने हिसाब से ले सकते हो कितना आपको चाहिए। इस तरह से अब अपने हिसाब से ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। ये यहाँ पे देखिए 1/2 इंच और लंबाई में देखिए 2 इंच। तब इसको भी काट कर लेना है। ये देखिए काट हो गया। इस तरह से आपको जितना चाहिए आप उसी हिसाब से काट कर लीजिएगा। अब इसको अलग से फैब्रिक पे चिपकाना है। ये डिजाइन के लिए भी मैंने काट कर लिया, इसमें देखिए इस तरह से मैं चिपका लूंगी। तो अभी देखिए मैंने जो नेक के लिए काट किया था, इसमें देखिए नेक का चौड़ाई मैंने कितना लिया था, 5 लिया था। तो 5 का डबल कितना होगा, 10। तो पहले 10 पे हमें निशाना देना है। अभी दोनों पॉइंट को बराबर करके उसके बाद इस पर आयरन करना है। अभी इसको काट कर लेना है। अभी देखिए पूरा काट हो गया और इसमें देखिए बिल्कुल मिडिल में से हमें एक काट लगाना है। दोनों मिडिल को बराबर लेना है। अब इसको इस तरह से सिल लेना है, बराबर मिला के पूरा सिल लूँगी। इसमें भी इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना है। तब इसमें देखिए ये 34 साइज है, तो इसका शोल्डर देखिए 14.5 इंच शोल्डर है। तो इसका हाफ लिया, क्योंकि बोट नेक है तो जिस सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए, जितना शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो मैं 7 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत लिया और आर्म होल देखिए टोटल मैंने 7.5 इंच लिया। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन करना है यहाँ पे। और नेक का चौड़ाई देखिए मैंने वहाँ पर कितना लिया था, 5 इंच इतना। तो नेक का भी नहीं काटना है, बाद में काटना है। उसके पहले देखिए शोल्डर को डाउन कर लेना है।
इस तरह से, और यहाँ पे कट लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे लगभग 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ पे छोड़ने के बाद ही यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल मिडिल में से लगाऊंगी मैं, तो पूरा मैं 1 इंच दूरी पे निशाना लगा लूँगी।
तो इस तरह से आप जितना दूरी पे लगाना चाहो अपने हिसाब से आप यहाँ से लगा सकते हो। जितना आप देना चाहो दे सकते हो, मैं सिर्फ इतना ही रखूँगी, पूरा सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं हाफ इस दूरी पे लगाऊंगी, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये देख सकते हो आप यहाँ से पूरा सिलाई हो गया। तो अब इसमें देखिए बीच में से काट लगाना है। काट हो गया, अब इसको अंदर की तरफ पलट लेना है। तो देखिए इस तरह जितना भी मैंने सिलाई किया पूरा काट करके अंदर की तरफ पलट लेना है। ये देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी, ये देख सकते हो ये अंदर की साइड है, इस तरह से होगा ये। अभी देखिए इसमें पाइपिंग कैसे लगाना है, जितना चाहिए उसी हिसाब से मैंने ये काट कर लिया, हाफ इंच दोनों तरफ से हाफ इंच करके ज़्यादा लिया। अभी देखिए अभी इस पे भी अंदर डालना है। ये देख सकते हो, और ये अंदर की तरफ देखिए दोनों साइड से आपको मिनिमम हाफ ही ज़्यादा रखना है ये पाइपिंग। अभी देखिए नेक पे लगाना है, इस पे भी सेम तरीके से यहाँ से लगा लूँगी मैं।
अभी देखिए इसमें आप चाहो तो यहाँ पे तुर पे भी लगा सकते हो, या चाहो तो मशीन से भी यहाँ से सिलाई लगा सकते हो। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये जो डिजाइन है आप चाहो तो कुर्ती या ब्लाउज किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरा आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे आज की वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसमें अभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।